क्या आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली कॉन्वर्जेशन करना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है, देन यू स्टे इन दिस वीडियो विथ मी टिल द एंड। इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश कॉन्वर्जेशन सिखाने वाला हूँ, कैसे आप किसी के साथ अबाउट स्टडी, पढ़ाई के बारे में कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। ये इंग्लिश कॉन्वर्जेशन की सीरीज का वीडियो है जो कि बिगनर्स लेवल के लिए है, जो लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, कैसे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे इंग्लिश के अंदर में कॉन्वर्जेशन करें। तो इस वीडियो में मैं अबाउट स्टडी के टॉपिक पर कॉन्वर्जेशन सिखाने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोहिउद्दीन शेख एंड आई वेलकम यू टू इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं सेशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल इंटरनेशनल स्पीकर्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। अबाउट स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ाई, अबाउट मतलब बारे में, अबाउट स्टडी पढ़ाई के बारे में। अबाउट प्रीपोजिशन है और इंग्लिश के अंदर में प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आता है, हिंदी में नाउन के बाद आता है लेकिन इंग्लिश में पहले आता है। तो अबाउट स्टडी पढ़ाई के बारे में, ये कॉन्वर्जेशन दो कैरेक्टर्स के दरमियान है, कैरेक्टर ए और बी। पहले मैं इस कॉन्वर्जेशन को अच्छे से आपके लिए मीनिंग के साथ में पढ़ूंगा ताकि आपको इस कॉन्वर्जेशन की मीनिंग समझ में आ जाए, और सेकेंड टाइम में मैं एज ए कैरेक्टर ए आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप एज ए बी उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ, वेयर आर यू कमिंग, कहां से आ रहे हो नाउ अभी। आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल, मैं अपने स्कूल से आ रहा हूं। व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आपने आज क्या सीखा। डिड है, डिड से पता चल जाएगा अगर कोई भी क्वेश्चन है और उसमें डिड हो और फिर फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। सो व्हाट डिड यू लर्न टुडे, तुमने आज क्या सीखा। आई लर्नड इंग्लिश कॉन्वर्जेशन, मैंने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन सीखा। लर्न, लर्नड, लर्नड सेकेंड फॉर्म है, से पास्ट, मैंने सीखा इंग्लिश कॉन्वर्जेशन। डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली, डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुमने समझ लिया, क्या तुमने समझा द लेसन, सबक को प्रॉपरली, अच्छी तरह से या ठीक तरह से। प्रॉपरली मतलब अच्छे तरह से या ठीक तरह से। सो क्या तुमने समझ लिया लेसन को अच्छी तरह से। यस आई अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, जी मैंने समझ लिया इसे प्रॉपरली, इसे मतलब लेसन को अच्छी तरह से। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड सिंपल पास्ट टेंस है, जिसके अंदर में आप जब आंसर करेंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म उसमें आएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हु टॉट यू द इंग्लिश कॉन्वर्जेशन, हु टॉट यू, किसने सिखाया, यू किसने सिखाया तुमको ये इंग्लिश कॉन्वर्जेशन। मोहिउद्दीन सर टॉट अस, मोहिउद्दीन सर ने हमें सिखाया। कैन यू एक्सप्लेन टू मी द सेम लेसन, क्या तुम समझा सकते हो मुझे सेम लेसन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन समझाना, और जब भी आप जिसको समझाएंगे तो एक्सप्लेन के बाद में आपको ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो कैन यू एक्सप्लेन टू मी, क्या तुम मुझे समझा सकते हो सेम लेसन। यस आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू, जी हाँ मैं इसे आपको समझा सकता हूँ। आई कैन एक्सप्लेन इट, हाँ मैं इसे, इट मतलब लेसन को, हाँ मैं इसे समझा सकता हूँ। टू यू आपको, हाँ मैं इस लेसन को आपको समझा सकता हूँ। व्हाट टाइम डू यू मेमोराइज योर लेसन, मेमोराइज मतलब सबक याद करना, जहन से याद करना, हिफ्ज करना। व्हाट टाइम मीन्स कितने बजे, व्हाट टाइम डू यू मेमोराइज, कितने बजे तुम याद करते हो योर लेसन, तुम्हारा सबक। I memorize my lessons in the evening. अब यहाँ पे देम है, ये देम गलती से प्रिंट हो गया है। So I memorize my lessons. मैं अपने सबक को याद करता हूँ in the evening, शाम में। Did you memorize yesterday's lesson? क्या तुमने याद किया कल का लेसन?
डिड यू मेमोराइज, डिड पहले इस्तेमाल हुआ है यानी क्या उसका माना आ जाएगा, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। डिड यू मेमोराइज, क्या तुमने याद किया यस्टरडेज लेसन, कल का सबक। यस्टरडे के बाद में ये अपोस्ट्रोफी है जिससे इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मीनिंग का होता है। सो डिड यू मेमोराइज यस्टरडेज लेसन, क्या आपने कल का सबक याद किया। यस आई मेमोराइज देम, जी हाँ मैंने उसे याद किया। हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट एवरी डे, हाउ मच पॉकेट मनी डू यू गेट एवरी डे, हाउ मच कितना पॉकेट मनी, आपको पॉकेट मनी हर रोज कितना मिलता है। गेट गॉट गॉट मिलना, सो आपको पॉकेट मनी हर रोज कितना मिलता है। आई गेट 100 rupees एवरी डे, मुझे हर रोज 100 rupees मिलता है। हाउ मच डू यू स्पेंड, तुम कितना खर्च करते हो। आई स्पेंड 50 rupees, मैं 50 rupees खर्च करता हूँ, एंड सेव 50 rupees और 50 rupees बचाता हूँ। नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर मुझे अच्छा लगा। मी टू, मुझे भी। सो फ्रेंड्स, मैंने इस कॉन्वर्जेशन को आपके लिए हिंदी में पढ़ा पहले मीनिंग के साथ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरी बार मैं इस कॉन्वर्जेशन को एज ए कैरेक्टर, एज ए कैरेक्टर आपसे क्वेश्चन करूंगा और आप ध्यान से सुनकर मेरे उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम नाउ, व्हाट डिड यू लर्न टुडे, डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपरली, Who taught you the English conversation? Can you explain to me the same lesson? What time do you memorize your lessons? यहां देम गलती से प्रिंट हुआ है, आप इसको मत बोलिए आंसर में। Did you memorize yesterday's lessons? How much pocket money do you get every day? How much do you spend? Nice talking to you. थैंक यू फ्रेंड्स। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे बाद, मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद आपने आंसर दिया और इसे प्रैक्टिस किया। सिर्फ देखने और सुनने से आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नाउ आई वुड लाइक यू टू डू टू थिंग्स, राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, दिस सेशन। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने इस सेशन से, इस कॉन्वर्जेशन से क्या सीखा, एंड दूसरी चीज आप और क्या सीखना चाहते हैं आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली वीडियो बना सकूं। फिर से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अगर आप इंग्लिश के एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत रीजनेबल फीस और 100% गारंटी रिजल्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।